लेंगे तो आ गया मेरा नाम कृष्ण पाल है जी। कृष्ण पाल आप कहाँ पर रहते हो? मैं गांव निर्मल नगर रहने वाला हूँ और 25 दिन करीब मैं मास्टर के पास आया था, मेरा हाथ टूट गया था और मैं रहना सहना मेरा यहीं पर है। और जहाँ तक रही अंडरवियर की बात, खाना पीना ये मेरे को बनाते हैं, मैं देते हैं। रही अंडरवियर की बात, हुए कच्चे मेरे थे, मुझे ये मालूम नहीं था कि यहाँ ऐसा हो जाएगा। और धरना के सामने मैंने कच्चे फैलाए हुए थे, इसमें मेरी गलती हो चुकी, मैं क्षमा मांगता हूँ। क्या कहेंगे एकदम इतनी छोटी बात पे मास्टर विजय सिंह के खिलाफ बिना किसी पूछताछ के मुकदमा दर्ज कर दिया? देखो ये तो वही कर सकता है, बाकी गलत है। वो धरना के सामने फैले हुए थे, दोनों कच्चे मेरे थे, अंडरवियर मेरे थे, मुझे इस बात का पता नहीं था कि यहाँ मतलब ऐसा हो जाएगा, नहीं तो मैं अंदर फैला था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मास्टर जी अभी सिविल लाइन पुलिस में आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या मुकदमा और किस तरह का ये पूरा मामला चल रहा है, कब से शुरू हुआ है? देखिए ये 19 तारीख को जिलाधिकारी जी ने ये कहा कि 5 मिनट में खाली कर दीजिए। मैंने 5 ही मिनट में कलेक्ट्रेट खाली कर दिया और मैं वहाँ से चला आया। एक मेरे पास कृष्ण पाल नाम का एक जो है व्यक्ति है, उसका हार्ट टूटा हुआ बेसहारा है, उसका परिवार नहीं है और वो मेरे पास था। हार्ट टूटे होने के कारण जो है मेरे पास 20-25 दिन से था। उसने ये जो ये मुकदमा दर्ज कराया 509 में, ये अंडरवियर बाहर सुखाने का है। देखिए धरने के सामने आप लोग देखते हैं वहाँ एक रस्सी है धरने के साथ, धरने के सामने, और वहाँ पर ये जो है ये अंडरवियर जो है वो मेरे नहीं थे, वो कृष्ण पाल के थे और उसने भूलवश जो है वो कृष्ण पाल ने वे डाल दिए। और भाई मुकदमा कर रहे हैं, जैसा भी कर रहे हैं, इनकी मर्जी है, जो भी कुछ है अपना ये काम कर रहे हैं, मैं भी अपना काम है। मैं फिर भी यही कहूँगा मैं अहिंसात्मक हूँ और गलत चीज़ का मैं सहारा नहीं लूँगा। अगर ये ऐसे मुकदमे से भी जो है अगर कुछ इनका हाल होता है तो कर लीजिए। देखने में आता है बड़ी बड़ी घटनाएं हो जाती है और कई कई दिन मुकदमा लिखने में कर देते हैं और मात्र अंडरवियर डालने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जो जो व्यक्ति पिछले 24 सालों से भ्रष्टाचार के खिलाफ एक धरना देकर बड़ी लड़ाई लड़ता है, जिसका नाम ले
देवता बुक ऑफ से लेके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है, उसके खिलाफ मात्र अंडरवियर टांगने का मुकदमा दर्ज कर दिया है, किस तरह की मानसिकता का परिचय? देखिए ये उनकी मानसिकता है, मैं क्या कह सकता हूँ, उनका अपना दृष्टिकोण है, उनका अपना दृष्टिकोण है क्या है। अब सवाल ये उठता है कि अंडरवियर जो है पहने, मैं बाजार में खूब लड़के देखता हूँ, तो उन पे भी मुकदमा होना चाहिए। अंडरवियर बाजार में टंग के बिक रहे हैं उन पे भी मुकदमा होना चाहिए। भाई महिला के वैसे कपड़े हैं उन पे भी मुकदमा चाहिए। ये जो अंतर वस्त्र हैं भाई, ये धुएंगे भी, वो भी करेंगे, और मेरे तो वो है ही नहीं, वो बैठा है आपके पास, जो है उसकी बाइट ले लीजिए, मियतनी तो कपड़े उसके हैं। और ये जो है ये भाई मैं कर रहे हैं, करा रहे हैं, अब मैं क्या कह सकता हूँ, और जो भी ये कुछ करेंगे मैं सहन करूँगा, हंस करके करूँगा। अगर ये ना मुकदमा करें, मुझे फांसी दें, ऐसे छोटे मुकदमे मत करें, जमीन घोटाले के मुकदमे में कहें कि ये झूठ है, सार्वजनिक जमीन का मामला ये झूठ है, उसमें मुकदमा करें, उसमें मुझे अच्छा लगेगा कि नहीं मैंने जो बात उठाई थी वो झूठ है, और मैं आज सार्वजनिक रूप से फांसी खा रहा हूँ, आजीवन कारावास चाह रहा हूँ, यही कहना है। देखिए कृष्ण पाल ने जिसने वो टांग दिए थे उसका एफिडेविट आपको मिल चुका है, उसने एफिडेविट दे दिया है, कप्तान के पास पहुंच गया है। अब कप्तान साहब जैसी भी उनकी मर्जी हो, अकॉर्डिंग लॉ कार्रवाई करें, हम तो कानून के मानने वाले हैं, हम कानून से बाहर नहीं जाएंगे, कानून का सम्मान करते हुए कानून का रक्षा करेंगे।